सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो मेरे साथ है मेरी बहन की सातु पावल्टी एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज रेनू एंटरटेनर, है ना? ये बाबा जी सबसे सुंदर रेनू का बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैं जा रही हूँ राजस्थान और मुझे हो रही बहुत खुशी क्योंकि राजस्थान में है मेरी नानी का घर और मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर एंड वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, मैं सबसे आपको मिलाऊंगी और मैं वहाँ का सारा इन्वायरमेंट भी दिखाऊंगी क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको भी पसंद आएगा। तो लेट्स गो। निकले थे हम 4 बजे, अभी बज चुके हैं 7 या 6, आई डोंट नो, पर अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में ही हम नानी के घर पहुंचेंगे। तो थोड़ा बहुत दिखा पाऊंगी और तो मैं सुबह टूर कराऊंगी अपने नानी का घर। तो अभी तो चलते, थोड़ा रुके थे रेस्ट के लिए रुके थे, बट अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। मिलती हूँ पहुँच के वहाँ पर आपको। बाय बाय। और मेरा भाई है, हम तीनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हम? राजस्थान। अबे किधर जा रहे? किधर? नानी के घर। नानी के घर जा रहे। ये अपने चम्मच दिखाते हुए मेरी बहन। तो तूने क्यों लिए चम्मचे? गाइस चावल खाने के लिए इसने चम्मचे लिए। एक्चुअली बोला था सबने क्योंकि क्योंकि सबको इसके येलो राइस बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छे बनाती है पुलाव। पुलाव बोलते हैं ना पुलाव, क्या कर। तो मैंने भी गाड़ी में खाए थे बट हम स्पून नहीं लाए थे, तो हमने यहाँ से स्पून ले लिया। दैट्स इट, यही कहानी थी स्पून की। मेरे भाई पीछे आपको देखते हुए। गोलगप्पे खाने के लिए हम बीच रास्ते में रुक चुके हैं। मेरे Two hours later. भाई बिल्कुल रोशनी नहीं है, मम्मी के मुंह पे। सो गाइस मैं नानी जी के घर आ चुकी हूँ एंड मैं सोच रही हूँ कि आप सबको रात बहुत हो रही है तो सुबह ही मिलवाऊँ सबसे एंड शायद हम अभी खाना खा के सो जाएंगे। मैं आपको सुबह ही मिलती हूँ, तो गुड नाइट। तो गाइस नानी से तो मैंने मिलवाया नहीं, ये रही मेरी नानी जो कि सोने की कोशिश कर रही है और मेरी बहन नानी के पैर दबा रही है कि नानी सो जाए आराम से, थोड़ा नानी का सर दर्द हो रहा था। खुश हो गई हमें देखकर, तो अच्छा। The next morning. So good morning guys. चाय मेरे हाथ में, मैं उठी हूँ बहुत लेट, सब उठ चुके थे, सब ने साफ सफाई खाना वाना ये सब कर चुके हैं एंड मैं अभी उठी हूँ बिकॉज थोड़ा लेट सोए थे हम रात को एंड थोड़ा नहीं है एक्चुअली, हम 4 बजे सोए थे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो मेरे साथ है मेरी बहन की सातु पावल्टी। ये तो क्या कहा गाइस, ये मेरी वीडियो बिगाड़ना चाह रहे हैं। ये मेरी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लग रहे हैं। माफी दे माता, माफ। So
सो गाइस अभी हूँ मैं नानी घर के बाहर, ठीक है? नानी घर के बाहर क्या होता है? तो गाइस अभी हूँ मैं बाहर, मेरा थोड़ा देख सकते हैं, मैं नहाई धोई नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं आज नान ये चप्पलों पे फोकस क्यों कर रही है? जो बीच में है वो मेरे नाना जी की सिस्टर हैं एंड वो मेरी बुआ नानी लगी, तो मतलब उनको मिलके इतना अच्छा लगा, उनसे इतना कम मिलने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और तो थोड़ा बताओ कैसी हैं नानी, नानी के बारे में दो सब बताओ, कैसी हैं वो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मम्मी भंटे में पानी भर के लाई हैं, बहुत बढ़िया काम किया है मम्मी ने आज। एंड यहाँ पर मेरी मामी जी बना रही है रोटी चूल्हे, यहाँ पर मेरी सारी मौसी ग्रुप बना के बैठी हुई है। गाइस फाइनली वो टाइम आ गया है कि मैं नानी जी का घर टूर कराऊंगी एंड आप देख सकते हैं बाहर से कितना प्यारा व्यू है मेरे नानी जी के घर के बाहर का, एंड लेट्स गो। सो गाइस अब मैं आपको कराऊंगी टूर नानी का घर एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि देखो गांव की वो यू नो व्हाट है ना, नेचर है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब आप मेरे साइड में देखेंगे, मतलब भैंसे भी मेरी बातें सुन रही है, आप देख सकते हैं, मतलब वो नहीं सुन रही है, शी इज इग्नोरिंग मी गाइस। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। व्हाट हैपेंड? आई डोंट नो। ओके तो हाँ, तो गाय भैंस को अभी छोड़ते हैं, अभी हम घर पे टूर के उस पे चलते हैं। वैसे मैंने कल के ही कपड़े पहन रखे, बिकॉज गाइज मैं इसमें सुंदर लग रही हूँ। उसने परी तुम जाने जहाँ कुछ भी। हाँ तो वही, तो अभी हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये है नानी का घर, यहाँ पर हमारी नानी, ये मम्मी, ठीक है? तो अब देख सकते हैं यहाँ पर सब कितना मजे लगता है। स्पेस देख रहे हैं, ये है चबूतरा, इसको यहाँ पर चबूतरा बोलते हैं। एंड यहाँ पर मेरे नाना जी हमेशा जब हम आते थे तो बाहर ही बैठे रहते थे चेयर पे एंड हमारा वेट करते थे आने का, बट अभी तो नहीं है, तो उनके बिना पहली बार वैसे शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा वो भी कभी आए नहीं है वीडियो पे, बट बिल्कुल थोड़ा है उनके लिए, बट कोई बात नहीं, नानी का घर तो दिखाई दूंगी ना, नानी जी तो दिखाई दूंगी ना, तो आ जाओ। अब मैं आपको ले चलूँगी अंदर, आइए। एंड सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी जिनका ये घर है, कितनी औसम है यार, ये दिखाइए। मेरी नानी ने आपको। सो गाइस इस गेट के बगल में है सीधा दूसरा गेट, ठीक है? इसको बोलते हैं बैठक, बट ये थोड़ा लॉन्ग तो आपको लग रहा होगा अभी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, हमारा भी सामान रखा हुआ है। बट एक टाइम मुझे याद है यहाँ का सीन, कि यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और हम अंदर ही बैठे थे और यहाँ तक पानी भर गया था, तो हम यहाँ पर ना वो क्या बोलते हैं बोट बनाते थे पेपर से और फिर यहाँ छोड़ते थे, मजा आता था। तो गाइस ये है बैठक, ठीक है? और यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा टाइम रहा है, ठीक है? और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये जो आप टीवी देख रहे हैं ये मेरे नाना जी बैठ के देखते थे, जो कि मुझे बड़ा याद आता है, हमें भी दिखाते थे टीवी खोलकर एंड इसे देख के याद करते होंगे। मैं तो बहुत टाइम बाद आई हूँ, मतलब 4-5 साल बाद आई हूँ मैं, एंड मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद आती है जब यहाँ पर आई हूँ। तो मेरा ये था, मैं आऊँगी यार तो वीडियो तो शूट करूँगी, क्योंकि यार एक नानी का घर ही है, जो हम बचपन में इधर खेलते कूदते थे, बहुत इन्जॉयमेंट करते थे, ठीक है? बहुत अच्छा लगता था। तो ये तो आपने देख लिया बैठक, अब हम आपको ले चलेंगे पोली, वो भी मैं दिखाऊँगी। चल पूरी पोली, इसको पोली बोलते हैं,
यहाँ पर बहुत रेती होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मिट्टी 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 है यहाँ पर। एंड यहाँ पर मेरे मामा जी सो रहे हैं एक्चुअली, तो हम उनको डिस्टर्ब ना करते हुए मैं आपको पूरी पोली दिखाती हूँ, इधर आइए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे फ्रेम लगे हुए हैं, मेरे नाना जी के फ्रेम है ये फोटो, आप देख सकते हैं बहुत बहुत याद करती हूँ मैं, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हैं बेड, ये बहुत पुराना बेड है, हमने यहाँ पर बैठ के खाना नाचा और सोया है, बस इतना ही, और तो बहुत मजा आता है, ठीक है, यहाँ पर भी। एंड गाइस रुकिए, सो गाइज ये है पूरा आंगन आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा घुमा के। एंड पहले तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में हुई थी, ठीक है, जो कि भर चुकी है, बट बहुत पुराना वाला टाइम था वो, एंड तब तो हम बहुत छोटे छोटे थे, और यहाँ पर सीढ़ी भी नहीं थी एक्चुअली, ये छत है हमारी ऊपर की, ठीक है, तो यहाँ सीढ़ी नहीं थी, यहाँ पर वैसे वो वाली स्टेयर नहीं आती लकड़ी लोहे की बटे बच्चों की, तो उससे हम चढ़ते थे, वो बहुत डर डर के चढ़ते थे, तो ऐसा था सीन। एंड ये पूरा स्पेस था जहाँ पर हम खेलते भी थे, ठीक है, यहाँ पर खाद डाल के सब बैठ के बातें करते थे, बहुत बढ़िया लगता था। एंड यहाँ पर एक कुछ कमरे हैं जो मैं वो भी दिखाऊंगी, ये वाला कमरा ना बंद रहता था, पहले हमें लगता था यहाँ पर भूत रहता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, हम छोटे थे हमें यही लगता था, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं था, भूसा भरा हुआ था। गाइस तो अब हम आते हैं इस वाले कमरे में, ये वाले कमरे में आप देख सकते हैं मेरे मेरे साथ ही मेरी मौसी जी, जो कि बहुत बिजी रहती है, काम ही करती रहती, क्या बताएं इनके बारे में, बहुत अच्छा खाना बनाती है, चली गई हमें छोड़ के, बताओ हमको छोड़ के चली गई, बताओ ये क्या सीन हो गया। आ गया हो जी अंदर, बड़ी मौसी। सो गाइस ये है मेरी बड़ी मौसी जी, जो कि ये भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बट मेरे को ज्यादा पराठा खिलाती है। अच्छा देख सकते हैं यहाँ पे मेरे गुरु जी की भी फोटो है, ठीक है, एंड आप पूरा घुमा सकते हैं। हम जाएंगे छत पे, जो कि सबसे बेस्ट चीज है घर की छत, और आइए आप मेरे पीछे। और तो गाइज मैं आ चुकी हूँ छत पे, एंड यहाँ से हमारी छत स्टार्ट होती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, बिल्कुल प्लेन है, इस पे हमने इतनी मस्ती करी, खेला कूदा है, सबसे ज्यादा हमने मतलब चीज थी ये दीवार, इस पे हमने बहुत ज्यादा ना अपने नाम लिखते थे, सारे कजन छत पर आकर अपना नाम इस पे लिख के जाते थे, कि जब हम पिछली बार आएंगे तब हम देखेंगे, तो हमने ये एंटीक चीजें भी करी हुई है, ठीक है, आइए। यहाँ पर नेटवर्क का इतना इशू है, फिर भी मैं इधर कोने में बैठकर हमेशा कॉल पे बात करना या फिर नेट ढूंढना, वीडियो पोस्ट करना, वो मैं करती रहती थी, यहीं पर ही नेट आता था, छत पे ही हमारा नेट आता था, ठीक है, नेटवर्क आता था, आई एम सॉरी, ठीक है। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पर हम सोए भी है, मतलब रात को हम बिछा के यहाँ पर चद्दर वद्दर जो भी है गद्दे वद्दे लगा कर हम सोते भी थे, और बहुत ठंडी ठंडी हवा, बहुत अच्छा लगता था, तारे गिनते थे ऊपर, बहुत अच्छा लगता था। अब मेरे ये जो आप एरिया देख रहे हो, इस घर से पूरा पहाड़ दिखता है, आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ दिखता है, अब ये आप व्यू देखो कितना सुंदर, कितना बढ़िया लगेगा, तो मैं वैसे आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ अभी। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं पहाड़, अगर मैं इसकी स्टोरी बताऊं तो हम पहले छोटे थे तो हमें लगता था भाई मतलब दिखने में ऐसे, आप देख सकते हैं ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये हमें हनुमान जी का फेस लगता है, कि ये उनका सर, ये आँख, ये नाक, ये मुंह, तो ये जो चीज़ है हम हमेशा देखते थे, और हम तो इनको सच में मानते हैं कि पहाड़ पे हनुमान जी स्थापित हो रखे हैं, एंड यहाँ पर है हमारा मंदिर, बहुत थोड़ा सा
बाहर घूमना है एंड थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। मैं तो सो गई थी बहुत तेज़, मुझे नींद आई शूट करने के बाद। एंड अभी हमें मंदिर में, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करने के बाद हम आगे निकलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो चलिए आ चुके पहाड़ों में। Meanwhile, ठीक है, और आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से चढ़ाई करी है मैंने। यहाँ से ट्रैक्टर व्रैक्टर जाते रहते मेन यही है जाने के लिए। उसको भी ले ले। अरे गाइस बकरी बकरी ट्रैक्टर सॉरी टेम्पो में जाती हुई, हम देखो हम पैदल चल रहे, बकरी टेम्पो में जा रही है। और ये देखो बकरा सही बकरे हैं ये बकरी वाला है। पहाड़ों पे रील बनाते हुए गाइस मैंने पहाड़ों में रील बनाई है, जरूर आप देखिएगा जब रील्स आएंगे एंड जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कैसी बनाई है। सो या गाइस यहाँ पर हमने खाया गोलगप्पे। पानी चाहिए किसी को? नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लगा गोलगप्पे खा के, क्योंकि बहुत अच्छे थे, टेस्टी थे, इट्स गुड। एंड मेरे साथ है मेरी सिस्टर प्रिया। गाइज ये इधर हम आ गए हैं और रात हो चुकी है, प्रॉपर रात, और सोने का ना हो चुका है टाइम। ये है मेरे भैया जिनका नाम है रिंकू, और रिंकू द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह सुबह गाइज मैं सुबह सुबह नहीं उठ पाई थी, ये लोग सुबह सुबह उठे थे। कितने बजे उठी हूँ आप मैडम? 12 बजे। कोई बात कल वो बकर। हेलो बोलो। हेलो तो गाइस आप भी खाइए मैगी, एंड मेरे पास है चाय और मैगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने सुना नहीं है, आपने भी नहीं सुना होगा, बट खा रही हूँ मैं, ठीक है, अच्छी भी बनी है। और सुबह सुबह का टाइम है, अब तैयार होंगे और निकलेंगे। एंड मैं कड़ी बना रही हूँ, मैं चावल बना रही हूँ। कैसी हो? बसंती। बसंती ना? I don't know. ऐ बसंती। इतना आदमी। अरे दो। और तुम चार? वाह। यार पहले क्या तबेले में रहती थी? बड़ी जोर से भाषा समझती है तू तो। वाह गजब रेनू, तूने तो गजब कर दिया यार। ये थोड़ा इतना मुझको देना, आगे तक मैं ही आपकी सेवा करूंगी, मेरे साथ बने रखिए। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रेनू बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया यार, प्लीज मैं मर जाऊंगी। और इतना झूठ Meanwhile, दबाते रहिए। हाँ ये तो खुर लगाएंगे तो। बेल आइकन को दबाते रहिए गाइस। रेनू और आगे भी मेरे साथ ऐसे बने रहेंगे, आप जितने ऐसे बने रहेंगे हम उतना आपको साथ रहेंगे। और ये रेनू के फॉलोअर्स हैं भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। यस ये मेरे फॉलोअर्स हैं, देखो मुझे बहुत ज्यादा यू नो व्हाट अप्रिशिएट करते हैं मेरे को ऐसी वीडियो बनाने के लिए। And guys, hope you like this video. If you like this video, please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, which is Renu Entertainer, है ना?
भाई साहब। सो गाइस अब थोड़ी तारीफ करेंगी प्रिया जी हमारे लिए एंड चैनल के लिए एंड आप सब्सक्राइब्स के लिए भी सब्सक्राइबर के लिए भी भाई बहुत बहुत सुनी छोरी से गजब काट दे इस वीडियो अरे भैया बुलवा इसमें म्यूजिक Two hours later. 500 रुपया दे दिया ले लिए सिलवाएगी नहीं तो क्या फायदा रख ले अपन खुद जाओ दे दियो एक ठीक से बस कुछ भी ले लो नानी सूट के अलावा टॉप जींस कुछ भी ले ली ठीक है एंड गाइस यही छोटी छोटी खुशी है जो हमें मिलती है इस टाइम पर तो इन चीज़ों को हमें इन्जॉय करना चाहिए इन पलों को हमें बहुत इन्जॉय करना चाहिए एंड नानी जी का घर तो कोई नहीं भूलता है सब गर्मियों की छुट्टी में नानी जी के घर जाते होंगे मुझे पता है हम भी यही जाते थे नानी के घर पे गर्मी की छुट्टी में कि बहुत इन्जॉय करेंगे ये मस्ती करेंगे वो मस्ती करेंगे एंड बहुत अच्छा लगा आकर मुझे और वी मिस यू नानी जी And yeah, that's it. है हमारे जाने का टाइम जो कि सबसे बुरा लगता है मुझे सबसे बुरा लगता है घर जाने वाला टाइम हमारे पास बहुत कम टाइम था दो दिन हमने मुश्किल से हम रुके थे एंड बहुत बहुत याद करेंगे नानी का घर मैं ज़रूर दोबारा आऊँगी एंड ज़रूर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगी क्योंकि मुझे भी पता आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा ये ब्लॉग एंड मैं नानी जी के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर कमेंट करना गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो ओके बाय एवरीवन बोलो सब्सक्राइब कर दो रेनू का चैनल सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब क्या करूं सब्सक्राइब बोलो कोई ना बोले जा सब्सक्राइब लाइक बोल दो लाइक लाइक कमेंट कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना और मेरी दोस्ती है भोली सी है इसको नौकरी लगाना बढ़िया गाइस नौकरी लगाना मतलब सब्सक्राइब करना है आपको और लाइक कर देना है ना नानी बस कमेंट भी कर देना और क्या और नानी के लिए जरूर तारीफ कर देना